राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एके मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसका सीधा असर, इस बजट का असर जो है आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। उसको लेकर इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, क्या कुछ इस बार के बजट में आमजन को राहत मिल सकती है? नहीं मैम, देखिए आपका कहना, आपके चैनल का कहना बिल्कुल सही है। इस पूरे बजट को तीन पैरामीटर पे आप एनालाइज कीजिए, सोशल और दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा आप पॉलिटिकल। मोर एंड मोर जो फोकस होगा वो पॉलिटिकल होगा, क्योंकि 7-8 राज्यों में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद 2019 का इलेक्शन इमीडिएट है। तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नोटबंदी जीएसटी के कारण जो लोगों में एंगर भरा हुआ है लोगों के दिमाग में, सबसे पहले इनका इफेक्ट, इनका मतलब कार्यशैली बजट की ये होगी कि कैसे इस एंगर को रिलीज आउट किया जाए। इस चीज के लिए वो सबसे पहले कुछ फौरी तौर पे जो राहत होता है, जैसे टैक्सेशन में राहत, सेविंग में राहत, जो इमीडिएट किसी आदमी को या मास पब्लिक को इम्पैक्ट करे उसकी साइकोलॉजी को, वो करेंगे। उसके बाद ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए ये बहुत सारे ऐसे जो मिडिल क्लास या मास वोटर है उसको इमीडिएट वे में राहत मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रही, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात रही, तो आपको पता होगा ही कि 3-4 महीने पहले से ही बीजेपी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब 2022 करके वो लोग बोल रहे हैं। तो ये कोई भी समझ सकता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और जो कि सॉलिड ग्रोथ होता है कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके लिए जो बजट में डेफिसिट होगा, एक तरफ ये अगर ज्यादा पैसा देंगे तो गवर्नमेंट की कमी नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व बहुत है, अगर इनसे डिफरेंट तरीके से डिस्काउंट देके, रिबेट देके, कुछ प्रमोशनल स्कीम देके स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को, क्योंकि ये सबके सब पॉलिटिकल पार्टी के जो है फंड करने वाले होते हैं स्मॉल मीडियम और कॉर्पोरेट हाउसेस। तो ये पूरा का पूरा बजट का जो मुझे लब्बो लुभाव दिख रहा है वो ये रहेगा आज दिन भर। एके मिश्रा जी, अगर बात किसानों की जाए तो जिस तरह से अभी गुजरात चुनाव हुए थे उससे ये तो साफ हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो बीजेपी सरकार का कम हुआ है, तो ऐसे में किसानों को लुभाने के लिए या उनको राहत देने के लिए इस बार के बजट में क्या खास होने की उम्मीद है? देखिए मैम, गुजरात इलेक्शन के फुल दिन तो मैं आपके चैनल पे ही था और मैंने बोला भी था कि बीजेपी की प्रॉब्लम रहेगी गुजरात में, और उससे गुजरात इलेक्शन से इनको बहुत बड़ा सबक मिला है। और आप ये देखिए, जो बड़े बड़े स्टेट है जैसे कर्नाटक हो गया या कुछ भी हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, जहां इलेक्शन है वहां पे ये स्पेशल फंड भी देंगे किसानों को, जो कि एक मेजर वोट बैंक है। और बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आप बिहार में देखिए रूरल एरिया में ये हार गए, अर्बन एरिया में इनकी पैठ अच्छी है, अर्बन एरिया शहरों के जो वोटर है वो इनको फेवर कर देते हैं। तो इनका जो एक बहुत बड़ा जो वीक पॉइंट है बीजेपी के वोट बैंक का, वो है रूरल एरिया का। तो रूरल एरिया में आप देखिए किसान आते हैं या छोटे मोटे जो व्यापारी आते हैं, डेफिनेटली उनको ये जबरदस्त। चलिए, बहुत शुक्रिया।